देखो, सबसे पहली चीज आज के लिए फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन जैसे नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि लो कि जैसे इसमें क्या करेंगे, एक गैस गैस को एक चेम्बर में कन्फाइन कर देते हैं। देखो जैसे इसमें ये एक बड़ा सा चेम्बर दिख रहा है, उस चेम्बर का लेफ्ट हाफ एक है और एक राइट हाफ है। लेफ्ट हाफ में हमने गैस फिल कर रखा है, जो राइट हाफ है वो आपका फ्री स्पेस है। दिस इज फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब बेसिकली वैक्यूम है, दिस इज वैक्यूम। बट लेफ्ट साइड में हमने क्या कर रखा है, गैस फिल कर रखा है। दिस इज एन मोल्स ऑफ अ गैस। यू नो इनिशियली मान लेते हैं, यू नो प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी पे हमने यू नो ले रखा है। और राइट साइड का जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं डेल्टा वी का है। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम जितना चेंज होने वाला है उसके लिए डेल्टा वी निकला है। सर हाँ बोलो। देखिए सर स्क्रीन टा देखते बच्ची ना। अभी देखो स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक बड़ा सा चेंबर ले रखा है, गैस चेंबर है। उस चेंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक लेफ्ट पार्ट है जिसमें हमने गैस को बंद कर रखा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमें पता है। और राइट हाफ राइट पार्ट जो है वो बेसिकली एक वैक्यूम है। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी कहते हैं। और उस पार्ट का जो वॉल्यूम है उसको हमने डेल्टा वी से इंडिकेट कर रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेपरेटर है, मतलब जो पिस्टन की तरह दिख रहा है, पिस्टन एग्जैक्टली नहीं है, वो सेपरेटर है। उस सेपरेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेपरेटर विल बी रिमूव, इसको सडनली रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर आपने इसको सडनली रिमूव किया तो उससे क्या होगा, उससे जो गैस जो लेफ्ट हाफ में कंफाइंड था वो सडनली राइट हाफ की तरफ मूव करेगा। अगर राइट हाफ की तरफ सडनली मूव करेगा तो उस केस में जो ये जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही क्विक होगा। होगा ही नहीं होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। तो तुरंत से जैसे उसको तुम सेपरेटर को हटाओगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये पूरा का पूरा गैस जो है जो लेफ्ट हाफ में कन्फाइंड था वो पूरा का पूरा कंटेनर में कन्फाइंड हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा कंटेनर में ऑक्यूपाई कर जाएगा। सो द एक्सपेंशन की एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, काफी क्विक होगा। सो ड्यू टू रिमूविंग द दिस यू नो जस्ट सेपरेटर सडनली द एक्सपेंशन will be quick. The gas will quickly expand to occupy the entire space available. ठीक है, अब जैसे ही आपको ये पता चलता है कि ये क्विक प्रोसेस है, जैसे आपको ये पता चल रहा है कि क्विक प्रोसेस है, इसका मतलब आपको ये तुरंत पता चल जाता है कि इसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलेगा। सो इससे आपको ये पता चलता है कि बेसिकली डेल्टा क्यू की वैल्यू ये आपकी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे गैस को सराउंडिंग के साथ कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ये पिस्टन, मतलब ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, अगर ये कंडक्टिंग भी होता तो भी सिचुएशन सेम होता, सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आते क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर स्लोली होता तो मे बी हीट ट्रांसफर एक्सचेंज हो रहा होता, बट अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि जब आपने पिस्टन को हटाया तो गैस किसके अगेंस्ट एक्सपैंड किया है, फ्री स्पेस के अगेंस्ट। तो फ्री स्पेस के अगेंस्ट एक्सपैंड करने का मतलब है कि बेसिकली उसको किसी को पुश करके जाना नहीं पड़ा है। अगर किसी को गैस को किसी को पुश करके जाना पड़ता तो फिर उस केस में क्या करता, वो उसके ऊपर वर्क करता। बट यहाँ पे सिंस कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, मतलब राइट साइड का स्पेस जो है वो पूरा का पूरा वैक्यूम है, तो अपोजिंग फोर्स के एब्सेंस की वजह से जो लेफ्ट साइड का जो गैस जो एक्सपैंड करके जा रहा है उनको किसी के ऊपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क करने के लिए तो किसी पर फोर्स लगाना पड़ेगा। बट फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, वो कुछ है ही नहीं। सो जब कुछ है ही नहीं तो इस केस में क्या हुआ कि यू नो फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हुआ, और फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हुआ तो उस केस में वर्क कितनी आएगी, आपकी जीरो आएगी। इसका मतलब इस केस में आपका वर्क डन बाय द गैस आल्सो इन द एक्सपेंशन इज जीरो। सो इसका रीजन क्या जस्टिफाई करेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अपोजिंग फोर्सेस द गैस विल नॉट परफॉर्म any
network, any network on the system, on the backbone. मतलब कि खाली स्पेस ही है, तो उसके वर्क किसके ऊपर करेगा? एंड देयरफॉर हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि W भी जीरो है. अब देखो डेल्टा क्यू ऑलरेडी जीरो है, ये आपने एस्टैब्लिश कर लिया. W जीरो है, ये भी एस्टैब्लिश कर लिया. तो अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर डेल्टा यू निकालनी है तो क्या देखेंगे आप? डेल्टा क्यू माइनस W, और ये दोनों इंडिविजुअली जीरो है. तो इससे आपने ये एस्टैब्लिश भी कर लिया कि डेल्टा यू भी कितना आएगा आपका? जीरो आएगा. तो एंट्रोपी का चेंज भी कितना आएगा आपका? जीरो आएगा. तो हीट ट्रांसफर भी नहीं हुआ, वर्क भी नहीं हुआ, और एंट्रोपी का चेंज भी नहीं हुआ. तो इसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब तीनों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में से किसी में भी कोई भी चेंज नहीं है. मतलब इंडिविजुअली सारा क्वांटिटीज कितना है आपका? जीरो है. हीट ट्रांसफर नहीं है, वर्क डन नहीं है, एंड डेल्टा क्यू भी नहीं, डेल्टा यू भी नहीं है. अब एक चीज आप सोचो, यू नो जैसे अब अगर मान लो कि किसी ने आपको पूछ लिया कि यू नो जब गैस एक्सपैंड कर चुका है तब बताओ उसका फाइनल फाइनल प्रेशर क्या होगा, यू नो फाइनल प्रेशर कितना होगा. जैसे इसको फाइनली एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं. रुको, मान लेते हैं ये चेंबर है हमारा, ये देखो ये पूरा का पूरा चेंबर में ऑक्यूपाई कर चुका है. ठीक है, और अब इसकी जो फाइनल प्रेशर हो चुकी है इसको कह लेते हैं पी डैश है. जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो तो डेफिनेटली वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा. एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो टी रहेगा. टेम्परेचर टी ही क्यों रहेगा? क्योंकि देखो एंट्रोपी का चेंज नहीं है, इसका मतलब कि टेम्परेचर क्या रहेगा? पी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. तो फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर आपकी कब कांस्टेंट होती है? अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि पीवी का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स ही है. तो पी डैश इनटू वी प्लस डेल्टा वी दैट शुड बी इक्वल टू पीवी होना चाहिए. तो पी डैश की वैल्यू क्या हो गई है? दिस विल बी पी इनटू वी डिवाइडेड बाय पी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा. दैट्स इट, ये चीज आपका फाइनल प्रेशर हो जाएगा. दिस इज प्रेशर आफ्टर फ्री एक्सपेंशन. ये जो पी डैश लिखा था हमने, दिस इज प्रेशर आफ्टर फ्री एक्सपेंशन. ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि हमने पी ई टू द पावर गामा ये कांस्टेंट अगर लिखते तो गलत हो जाता. इवन दो डेल्टा क्यू जीरो है, बट ये डेल्टा क्यू जीरो अगेंस्ट फ्री एक्सपेंशन है, तो इसलिए पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट करके नहीं कर सकते. इसका ध्यान रखना. मैंने आपको बताया था एक यू नो एक चीज बताया था आपको कि जब भी क्विक एक्सपेंशन होता है बट वो क्विक एक्सपेंशन अगेंस्ट कोई अपोजिंग फोर्सेस होगा, तब उस केस में आप ये मान सकते हैं कि कोई भी यू नो हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसमें पी वी टू द पावर गामा क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए. ठीक है, वो अलग सिचुएशन था, बट ये अलग सिचुएशन है. फ्री एक्सपेंशन, इसको एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन कहते हैं. एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है कि बेसिकली यू नो हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि यू नो पिस्टन को आपने जब रिमूव कर दिया है सडनली, तो फिर अपोजिंग फोर्स मतलब यू नो ये जो एक्सपेंशन है काफी क्विक हुआ है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है. और दूसरा ये है कि यू नो प्रायोरिटी आपको इसको भी देना है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है. तो अगर आप पीवी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट लगाते हैं ना, तो फिर इसका मतलब आप पीवी टू द पावर गामा माइनस वन भी कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं. पीवी टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट अगर लगाते हैं तो वहीं से कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं की है, बट वॉल्यूम तो आप कह रहे हो कि यू नो चेंज किया है, डायग्राम से दिख रहा है वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो वो तो कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाता है. इसी वजह से आपको पीवी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट नहीं रखना था. ये चीज का ध्यान रखिएगा. समझ आइए सभी को, समझ आइए सर. आइडमर टू कौन सा पार्ट? सर कॉन्ट्रडिक्शन था. आइडमर टू बोल, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जैसे अगर मान लो कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस है ये, तो इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन पे पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना.
होना चाहिए, होना चाहिए। सर अब अगर टेम्परेचर से चेंज नहीं किया है, ये तो आपको पता चल रहा है क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो आया है, तो टेम्परेचर का चेंज भी नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है तो पीवी का प्रोडक्ट भी कॉन्स्टेंट रहना है, तो पीवी का प्रोडक्ट भी कॉन्स्टेंट रखोगे और पीवी टू द पावर गामा भी कॉन्स्टेंट रखोगे तो कैसे चलेगा, क्या दोनों सही होगा साइमल्टेनियसली? ठीक है, इसीलिए नहीं हो सकता। इसमें एक और चीज आपसे जनरली पूछते हैं कैलकुलेट करने के लिए, एंट्रोपी का चेंज। देखो गैस का रैंडमनेस से इंक्रीज किया है, द रैंडमनेस ऑफ गैस हैज इंक्रीज, क्योंकि अब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? सो इसका मतलब है ये जो रैंडमनेस का इंक्रीज है उसको मेजर हम कैसे करते हैं, एंट्रोपी के चेंज से मेजर करते हैं। सो देयरफॉर द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, इसको डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dQ / T। अब ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो एंट्रोपी का चेंज जब आप कैलकुलेट करते हो तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी की तरह ही है। अब जो भी चीज स्टेट फंक्शन होती है तो उसकी वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये मैटर नहीं करता है, बस आपको कैलकुलेशन करना होता है, चाहे किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर आपको पता है, इनिशियल स्टेज पता है क्या है और फाइनल स्टेज अगर पता है क्या है, तो इस इनिशियल स्टेज से फाइनल किसी भी तरीके से लेके जाओ, आपको जो एंट्रोपी का चेंज मिलेगा वो हर बार सेम मिलेगा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dQ / T तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे यहाँ से रैंडमनेस को, क्योंकि dQ खुद ही जीरो है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसको क्या करो, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करो, इसको ऐसे लिखो, dQ की वैल्यू को लिखो dU plus dW and divided by T लिखो। हम क्या करते हैं ना, कोई भी स्टेट फंक्शन का जब हमें चेंज कैलकुलेट करना है, जैसे एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट करना है, तो एंट्रोपी का चेंज जब आप कोई भी एक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, जैसे एक क्विक एक्सपेंशन है, इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कितना आ रहा है, तो उस तरह के केसेस में आप क्या करते हैं, उसको एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढते हैं आप, यू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेट पाथ जिसके थ्रू अगर आप गैस को सेम इनिशियल एंड सेम फाइनल कंडीशन पे लेके जाओगे और इस स्टेज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो एंट्रोपी का चेंज, तो इसके लिए कैलकुलेट कर लो और वो पुराने वाले मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस था उसके एंट्रोपी चेंज से भी मैच करेगा। रीजन यही है क्योंकि एंट्रोपी का चेंज जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो आप पाथ मैटर नहीं करेगा, किसी भी पाथ के थ्रू लेके जाओ आपका मैटर नहीं करेगा, इट वोंट मैटर कि आपने उसको कैसे लेके गया है। आर यू गेटिंग इट, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सो सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इस स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर फिक्स्ड देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस through which the gas is taken between initial and final state, the change in entropy will be identical. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम क्या कह रहे हैं, एज द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, एज द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, इफ द गैस इज टेकन आइसोथर्मली, मतलब अगर स्लोली आइसोथर्मली हम लेके जाए, आइसोथर्मली फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल स्टेट, देन टू एंट्रोपी का चेंज डेल्टा एस विल बी सेम। तो
अब हम आइसोथर्मल मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो। सो देयरफॉर डेल्टा एस की वैल्यू निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ dq को लिखा du प्लस dw एंड डिवाइडेड बाई t लिखा। du की वैल्यू को हम जीरो डाल दे रहे हैं, ठीक है, और dw को हम लिख लेंगे pdv एंड डिवाइडेड बाई t कर लेंगे, एंड इसको हमने वॉल्यूम v से लेके v प्लस डेल्टा v तक किया है, ठीक है। ये v को ही मान लेते हैं, ये v1 है, ठीक है, ये v1, और v प्लस v2 जो डेल्टा v जो है इसको v2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी p बाई t को अपन लिख सकते हैं nr बाई v, तो nr बाई v लिखा एंड देन dv से मल्टीप्लाई किया, और ये v1 से v2 तक हो जाएगा। सो दिस nr को कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लो और ये आपका ln ऑफ v2 बाई v1 हो जाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी। फ्री एक्सपेंशन में जो एंट्रोपी का चेंज आता है दैट इज nr ln v2 बाई v1 हो जाएगा। समझ आया आपको? यस सर। ठीक है, एक तो यहाँ पे जैसे फिजिक्स में ज्यादा एंट्रोपी कभी पूछते नहीं है, एंट्रोपी का चेंज, इसलिए मैं इसको डिटेल में सर, इसका सिग्निफिकेंस। हाँ सर, বলছি যে এই ইনিশিয়াল আর ফাইনাল স্টেটটা সেম রেখে আমরা যদি অন্য কোনো প্রসেসও করতে পারতাম তাহলে সেটাও একই রেজাল্ট দিত। একই রেজাল্ট আসতো, একই রেজাল্ট। ঠিক আছে, कोई भी, देखो कोई भी चीज जब हम स्टेट फंक्शन कहते हैं ना तो उसमें मैटर ही नहीं करता है कि आप उसको किस स्टेज, किस तरह से उसको इनिशियल से फाइनल स्टेज के बीच में लेके जा रहे हो। आप किसी भी स्टेज में, स्टेट में कैलकुलेट करते हैं, हर बार सेम आता है। सिंपल सा मतलब ये है, जैसे अगर मान लो मैं कह रहा हूँ आइसोथर्मल है, ठीक है, जैसे सोचे देखो यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं और यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं, सोचो। अब मान लो ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। आपने क्या क्या आइसोथर्मल ले जाने का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो ऐसे लेके जाते आप, ये उसका आइसोथर्मल होता। बट अगर कोई ऐसे लेके जाए, मैजिक करो ऐसे लेके जाए, या कोई पाथ को थोड़ा सा और ऐसे लेके जाए, ये सारा अलग अलग प्रोसेस है या नहीं है? है सर। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो और अलग अलग स्टेप में जा रहे हो, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेप है, थर्ड प्रोसेस है, तो डेल्टा एस अगर आपने फर्स्ट स्टेप के लिए कैलकुलेट किया होता, फर्स्ट स्टेज के लिए, तो ये डेल्टा एस सेकंड वाले के लिए मैच करता, और ये आपका डेल्टा एस थर्ड वाले के लिए मैच करता। समझ आया? आप किसी भी स्टेज के लिए लेके जाओ, फर्स्ट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस को फिक्स रखो और उसके बाद कहीं से भी कहीं भी जाओ। समझ आ रही है? यस सर। ओके, हमें ये बोल रहा था कि एंट्रोपी का कैलकुलेशन हमारे लिए फिजिक्स में, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं एंट्रोपी से, केमिस्ट्री में ज्यादा पूछते हैं, तो इसलिए इसका ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, बस जितना काम का है बस उतना ही बताया है, ठीक है। एक और चीज एक जगह और पूछते हैं एंट्रोपी का चेंज, जैसे इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट कैसे करना है, इन जनरल, ये फ्री एक्सपेंशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल, इफ चेंज इन एंट्रोपी इज आस्क्ड, डेल्टा एस इज आस्क्ड, अगर पूछे तो डेल्टा एस की वैल्यू को मैंने आपको बताया कैसे लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी की लिख रहे हैं, डी क्यू की वैल्यू आपको बताया डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख रहे हैं एंड डिवाइडेड बाई टी कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल इनकी वैल्यू को सबसे शूट कर देते हैं, डी यू का वैल्यू लिखते हैं आप एन सी वी डी टी, यहाँ पे टी से डिवाइड करो, डी डब्ल्यू को लिखते हो आप पी डी वी एंड डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे वैल्यूज को सबसे शूट करें, फर्स्ट इंटीग्रेशन में टेम्परेचर का लिमिट होगा टी वन से टी टू, एंड सेकेंड में आपका वॉल्यूम का एलिमेंट होगा v1 से v2, तो ये हो जाएगा आपके पास n cv ln of v2 by t1, and plus ये वाला टर्म तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा nr ln of v2 by v1। तो अगर आइसोथर्मल है तो ऑब्वियसली ln t2 by t1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ रही है आपका? टेम्परेचर का चेंज नहीं किया है तो फिर ln t2 by t1 अपने आप ही जीरो हो जाएगा। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म है, मतलब कि जनरली किसी भी गैस को अगर आप एक इनिशियल से फाइनल कंडीशन पे लेके जाते हो तो एंट्रोपी का चेंज पूछे तो आप एकदम बिल्कुल ये वाला रिजल्ट को एकदम याद रख सकते हैं कि बाय हार्ट यही वाला रिजल्ट है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो प्रोसेस तो मैटर ही नहीं करता, प्रोसेस मैटर नहीं करता तो किसी तरह से भी निकालो, ठीक है। दूसरे एक और जगह पूछते हैं आपको, जैसे एक और है, जैसे जब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोचो जैसे एक सॉलिड को आप हीट देते हो और उसके बाद फिर उसका मेल्टिंग होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब तो टेम्परेचर फिक्स रहता है या नहीं रहता है जब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो,
है ना, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, ये वाइस वर्सा. सो व्हेन स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, सब्सटेंस टेक्स प्लेस, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. देयरफॉर अगर आपको डेल्टा एस इस तरह के सिचुएशन में पूछा जाए तो आप इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लिखोगे, तो टी को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी हो जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा. तो डेल्टा एस अगर निकालनी है आपको एंट्रोपी के चेंज, तो इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा क्यू एंड डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा. अब इसी में ही आपका दो स्टेज बन सकता है, यू नो इसकी वैल्यू को जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, मास इंटू लेटेंट हीट और डिवाइडेड बाई टी करेंगे. अब लेटेंट हीट में ही आपके यू नो दो दो पार्ट हो सकते हैं कि अगर या तो सॉलिड लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है या लिक्विड वेपर का हो रहा है. इसको दो स्टेज में लिख लेते हैं. ये है सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग या फ्यूजन का, और एक है लिक्विड से वेपर, वाइस वर्सा भी हो सकता है. तो इस केस में आपका डेल्टा एस का वैल्यू लिखोगे फर्स्ट केस में, तो ये लिखेंगे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टेम्परेचर जो आएगा वो आपका मेल्टिंग पॉइंट का आएगा, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं. और लिक्विड से वेपर का जब कर रहे हैं आप तो इसके लिए लिखेंगे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो होगा आपका वो बॉइलिंग पॉइंट होगा. समझ आया? यस सर. ठीक है, एक और चीज है, एक क्लास चीज जो आपको एंट्रोपी से बताना है वो ये है कि जैसे जब भी आप एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट करते हो, जैसे आप सपोजली आप यू नो डेल्टा क्यू निकाल रहे हो, तो अगर मान लो कि डेल्टा क्यू नहीं निकाल के सपोजली आप डी क्यू कैलकुलेट करते हो, इमेजिन यू नो डी क्यू कैलकुलेट करते हो, तो डी एस की वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, डी क्यू बाई टी लिखते हैं. इसी को इंटीग्रेट करते हो, इसी को इंटीग्रेट करते हो दोनों तरफ, तब आपको डेल्टा एस मिलता है. इसका मतलब है कि अगर मैं dq की वैल्यू को लिखूं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, T into ds लिख सकते हैं. तो अगर आपको टोटल हीट एनर्जी निकालनी, डेल्टा q निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tds कर सकते हैं, और tds के इंटीग्रेशन में ये s1 से s2 हो जाएगा. तो ये tds क्वांटिटी क्या दे रहा है आपको, एरिया अंडर द टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ग्राफ दे रहा है. तो टेम्परेचर को अगर किसी ने एंट्रोपी के फंक्शन में प्लॉट कर रखा है, ठीक है, तो फिर उस केस में टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है, वो क्वांटिटी आपको हीट एनर्जी सप्लाई टू दी गैस से देगा. सो ये चीज का ध्यान रखेंगे. इसको मैं स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एरिया अंडर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ग्राफ गिव्स अस द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द गैस. ठीक है, जैसे अभी इसी में मान लो अगर ग्राफ ऐसा दिखा दिया किसी ने, यहाँ पे एंट्रोपी एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, और मान लो कि किसी ने ग्राफ ऐसा दिखा रखा है, इनिशियल और ये फाइनल कंडीशन है. इनिशियल कंडीशन पे टेम्परेचर एस वन, सॉरी एंट्रोपी एस वन एंड फाइनल कंडीशन पे एंट्रोपी एस टू. अब इसके नीचे का ये जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला एरिया बेसिकली आपको हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस से इसको डेल्टा क्यू कहते हैं. समझ आया आपको क्या बोला मैंने? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये साइक्लिक प्रोसेस होता, अगर सपोज ये साइक्लिक प्रोसेस होता, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर लिया, यहाँ एंट्रोपी लिया, एंड मान लो एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाया था मैंने आपको, ऐसा ही साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है. साइक्लिक प्रोसेस इसका मतलब क्या है, कि इंटरनर्जी का चेंज कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो इंटरनर्जी का तो चेंज जीरो होगा.
इसका मतलब जितना ही आपने इसको हीट एनर्जी सप्लाई किया होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर की जो एरिया है वो डेल्टा क्यू भी होगी और ये क्या होगी डब्ल्यू भी होगी। रीजन क्या है, सिंस इंटर एनर्जी का चेंज क्या रहेगा आपका जीरो रहेगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में काफी चीज हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से बचा हुआ है, हीट इंजन्स। हीट इंजन्स का मतलब क्या होता है? हीट इंजन्स हम ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जो कि यू नो हीट एनर्जी को पार्टली इनटू मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कह सकते हो, क्योंकि जो कि यू नो मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सके पार्टली। सो ऐसे डिवाइसेस डिवाइसेस व्हिच आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क आर हीट इंजन। अब सिंपल सा इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि ना इसमें जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे एक हीट इंजन में क्या होती है ना, एक वर्किंग सब्सटेंस होती है। वर्किंग सब्सटेंस इज यूजुअली अ स्टीम और अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एयर या फ्यूल ऑक्सीजन भी हो सकता है, which is taken through you know a certain changes in temperature volume or pressure to carry out a certain thermodynamic process, ya fir koi ek cycle ko convert karne ke liye, matlab ki koi bhi ek gas le liya aapne confined gas, ya fir you know mixture bhi ho sakta hai fuel ke sath kuch mix karke you know de sakte hain aap, aur uske baad fir usko ek certain thermodynamic process ke through leke jaate ho, to wo wala confined you know air jo jisko keh rahe hain ya fir steam jisko keh rahe hain उसी को हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। सो हीट इंजन्स में वर्किंग सब्सटेंस एक इंटीग्रल पार्ट होता है। सो वर्किंग सब्सटेंस इन अ हीट इंजन इज यूजुअली स्टीम और अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल and air or fuel and oxygen which goes through changes in temperature volume pressure to carry out a certain thermodynamic process. Okay. इसमें क्या होता है कि जैसे अब thermodynamic process की बात कर रहे हैं तो एक तो you know जैसे दो चीजें होती है, जैसे एक होता है you know वो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है माने जो वर्किंग सब्सटेंस है, वो वर्किंग सब्सटेंस किसी एक से नो जैसे उसका दो सराउंडिंग होता है, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स मतलब जिससे वो हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा और सिंक मतलब जिसको वो हीट एनर्जी देगा। तो ये दोनों से ही कनेक्टेड होता है। जैसे आप सोचो रेफ्रिजरेटर आपका सबसे अच्छा कोरिलेटेड एग्जाम्पल होगा, जिसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि एक होता है अंदर का सराउंडिंग होता है जो काफी ठंडा होता है और एक होता है रेफ्रिजरेटर का बाहर का सराउंडिंग जो कि एयर है जो कि रिलेटिवली क्या है गर्म टेम्परेचर पे है। तो उस केस में वहां पे उसमें गैसेस होते हैं बेसिकली, मतलब उसका वर्किंग सब्सटेंस वही गैसेस ही है, उसमें फ्रियॉन वगैरह का कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, वो कॉम्पोजिशन मुझे याद नहीं है। तो उसमें गैसेस होते हैं, तो वो गैसेस क्या करता है यू नो दो सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट में है, एक है बेसिकली आपका अंदर वाला जो कि आपका फ्रिज के अंदर वाला कंपार्टमेंट है और एक है बाहर वाला जो कि आपका जो सराउंडिंग से कनेक्टेड है। तो कंटिन्यूअसली वो क्या करता है इनके बीच में हीट एक्सचेंज का यू नो काम करता रहता है। द
मतलब एक जगह से हीट एनर्जी लेता है और दूसरी जगह को हीट एनर्जी देता रहता है। तो ये काम लगातार चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको, देखो आप एक चीज, जो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही रहेगा। तो मैं जब सोर्स कह रहा हूँ किसी को, तो इसका मतलब है वो एक हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, ये हायर टेम्परेचर पे रहेगा, सोर्स हायर टेम्परेचर पे रहेगा। इससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मान लो Q1 एक्सट्रैक्ट किया किसने, उस वर्किंग सब्सटेंस ने, यहाँ पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, तो वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया सोर्स से और सिंक को Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे दिया है। ये सिंक है, सिंक इज एट अ टेम्परेचर T2, लोअर टेम्परेचर पे, एंड ये जितना इसने रिजेक्ट किया हीट एनर्जी, उससे जो रिमेनिंग रेसिडुअल बचा हुआ था, मतलब Q1 लिया उसने हीट एनर्जी और Q2 रिजेक्ट कर दिया, तो डिफरेंस कितना बचा हमारे पास, Q1 माइनस Q2, और ये Q1 माइनस Q2 को ही यूज करके गैस क्या करता है वहां पे, वर्क परफॉर्म करता है। सो दिस इज इक्वल टू W आ जाएगा। सो वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, W इज द वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, या फिर वर्किंग सब्सटेंस का बात कर सकते हैं कि वो सराउंडिंग पे जितना वर्क कर रहा है उसको हमने W कह रखा है। तो ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन ही है, मतलब कि आप Q1 जो ले रहे हो, Q1 दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड extracted from higher temperature source at T1 Kelvin, ठीक है, Kelvin में ध्यान रखना, Celsius में नहीं है, Kelvin में। Q2 is the heat energy released to lower temperature sink at T2 Kelvin, ये भी Kelvin में है, ठीक है, Kelvin ध्यान रखना। W is work performed by the working substance on surrounding. तो इसमें ही आपने क्लियरली आपको एनर्जी कंजर्वेशन से आपको समझ आ जाता है कि Q1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू Q2 प्लस W नहीं चाहिए। ये जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ भी नहीं है। ओके, देखो अभी अगर आपको कोई पूछे कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन चाहिए, efficiency of heat engine अगर चाहिए तो उसका definition क्या था? Efficiency was the work performed by the gas and divided by heat energy absorbed by the gas. Heat energy absorbed उसने कितना किया था? Q1 किया था। तो W divided by Q1 करोगे, इससे आपको efficiency मिल जाएगी। अगर आप 100 से multiply करोगे तो percentage मिलेगा। ये fraction में दे रहा है, but इसको अगर आपने 100 से multiply कर दिया तो ये percentage में मिल जाएगा। इसी को आप ऐसे ले सकते हो, W की value को हम ले सकते हैं Q1 minus Q2. इसको लिखा Q1 माइनस Q2 एंड डिवाइडेड बाय Q1 एंड इसके साथ 100% मल्टीप्लाई किया, तो इसको अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 माइनस ऑफ Q2 बाय Q1 आ जाएगा, दिस विल बी इनटू 100%। तो जनरल जो डेफिनेशन है एफिशिएंसी निकालने का, वही तो आपका यही है कि आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको क्या करना है, 1 माइनस ऑफ Q2 बाय Q1 इनटू 100 कर लेना है। अब एक और चीज जो ये है कि जैसे ये देखा गया है कि जैसे डिफरेंट आप हीट इंजन कंसिडर करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट इंजन, जैसे कुछ रिवर्सिबल हीट इंजन होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल हीट इंजन होते हैं। रिवर्सिबल मतलब कि जिसमें किसी भी तरह का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो वो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल होने के लिए एक और कंडीशन भी होना चाहिए, जैसे कोई भी प्रोसेस को अगर रिवर्सिबल बनाना है तो दो कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना होता है, एक किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए और दूसरा वो प्रोसेस स्लो होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं रिवर्सिबल, इसका मतलब कि सारा जो स्टेट है, मतलब जैसे V1 से V2 गया, तो V1 से V2 गए तो उसमें जो भी इनिशियल स्टेट, मतलब इंटरमीडिएट स्टेजेस था, बीच का स्टेजेस था, वो बीच के सारे स्टेजेस में आपको फिर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता होना चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, उसको रिपीट करोगे। मतलब V2 से वापस V1 आए तो सारा स्टेज आपका रिपीट होना चाहिए। सो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस।
क्विक प्रोसेसेस में कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि क्विक प्रोसेसेस में आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डिफाइन ही नहीं कर सकते, स्टेडी स्टेट आने के बाद डिफाइन कर सकते। जैसे एक फ्री एक्सपेंशन में किया था हमने, फ्री एक्सपेंशन में वो जो पार्टीशन था उसको खोलने के पहले हमको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब पता है, और खोलने के बाद जब वो फाइनली कंटेनर ऑक्यूपाई कर चुका है पूरा तब भी पता है, बट जब एक्सपेंशन हो रहा था तब के स्टेज में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आप पता नहीं कर सकते, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तब के बीच में पता नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखो कि यू नो कि आप यू नो जब हम कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस यू नो रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल तब हो सकता है जब आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक्सपेंशन के वक्त और कंप्रेशन के वक्त एकदम रेप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट वर्क कर सकते हो। जो जाते वक्त प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, आते वक्त प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ सेम हो सेम स्टेट पे, दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऑब्वियस है रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी तरह का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए, अब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे जो यू नो हीट इंजन होते हैं, ऐसे जो हीट इंजन होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, उसके लिए एफिशिएंसी जिसके लिए सबसे ज्यादा आती है उसको हम कार्नट्स इंजन कहते हैं। तो कार्नट्स इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, इसको इन्फॉर्मेशन की तरह आपको याद रखनी है। कार्नट्स इंजन के लिए देखा गया है कि ये जो Q2 by Q1 होता है वो T2 by T1 के इक्वल आता है, और इसी वजह से जब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी तो वो आपका 1 ऑफ T2 by T1 आ जाता है। तो इसको हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये कहता है कि देयर कैन नॉट बी एनी हीट इंजन which converts entire heat energy into mechanical work. That is, a heat engine cannot be 100% efficient. Simple सा मतलब यही है इसका। The highest efficiency, जैसा मैंने आपको बताया, the highest efficiency that any heat engine can derive by working between fixed source and sink temperature is for a Carnot's engine for which जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है आपकी, ये आपकी 1 ऑफ T2 by T1 आती है। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज मिलेगा, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, जिसका ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, हाईएस्ट एफिशिएंसी, वो आपका कार्नट्स इंजन के लिए होता है। और इसका रीजन ऑलरेडी आपको बताया, वो लिख भी देता हूं, कार्नट्स इंजन इज मोस्ट एफिशिएंट सिंस इट इज मेड अप ऑफ रिवर्सिबल साइक्लिक processes. For any process to be reversible, for any process to be reversible, दो कंडीशन अप्लाई
सही होनी चाहिए. पहला इट शुड बी अ स्लो प्रोसेस. So that P, V, T are known at each stages. Dusra, there should not be any form of dissipation of energy. There should not be any form of dissipation such as friction in movable parts. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप श्योर होकर कह सकते हैं कि वो आपका यू नो रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस का कंडीशन याद रखना. अगर आप पूछे रिवर्सिबल प्रोसेस कब होता है तो ये दो कंडीशन आपको बोलनी. अब कार्नट साइकिल एक बात दिखाते हैं. एक कार्नट साइकिल बेसिकली यू नो एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि दो एडियाबेटिक प्रोसेस और दो आइसोथर्मल प्रोसेस से बना होता है. पहले हम गैस को क्या करते हैं, पहले हम गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड करते हैं, फिर एडियाबेटिकली एक्सपैंड करते हैं, फिर आइसोथर्मली कॉम्प्रेस करते हैं, फिर एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करते हैं. मतलब इट इज मेड अप ऑफ टू एडियाबेटिक्स एंड टू आइसोथर्म्स. स्टेजेस क्या है? द स्टेजेस आर पहले फर्स्ट स्टेज इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. सेकेंड स्टेज इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. थर्ड स्टेज इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. फोर्थ स्टेज इज एडियाबेटिक कंप्रेशन. उसको देखो कैसे दिखाएंगे. यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम. ये हमने गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है. इसको मान लेते हैं स्टेज ए से स्टेज बी पे ले गए, फिर बी से सी लेके जा रहे हैं और ये एडियाबेटिक है तो ज्यादा स्टीपर होगा. आपका बी से सी पे पहुंच गया, फिर अभी सी से डी जाएंगे और उसको आइसोथर्मली लेके जाएंगे. तो सी से डी लेके जाओगे तो लेस स्टीप होगा, स्टीपनेस कम रखता है. देखो ये सी से डी गए और डी से ए वापस से एडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे तो ए डी से ए. समझ आया? ग्राफ क्लियर है? यस सर. अब इसमें ए से बी सेंस आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल मतलब इंटरनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर टी वन मान लेते हैं. मतलब अगर ए पे टेम्परेचर टी वन लिखा है तो श्योर होकर लिख सकते हैं कि बी का भी टेम्परेचर टी वन ही होगा. ठीक है? और इंटरनर्जी चेंज नहीं कर रही है तो जितना भी वर्क होगा वही आपका हीट एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा. तो इस केस में सिंस एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली यू नो कि इसमें हीट एनर्जी हमने दी है यू नो साइकिल को, मतलब यू नो सिस्टम को दी है. तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू इन ए बी स्टेप लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू ये आपका क्यू वन हो जाएगा. ये हीट एनर्जी दी है इसको. फिर बी सी आपको पता है एडियाबेटिक है और एडियाबेटिक है इसका मतलब डेल्टा क्यू जीरो होगा. सी डी पार्ट में वापस से आइसोथर्मल है तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का टी टू लिखा होता आपने तो डी पे भी आपका टेम्परेचर कितना होता है टी टू होता. बट देखो सी डी वाले पार्ट में सिंस ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू और डब्ल्यू फिर से सेम होगा और डेल्टा क्यू और डब्ल्यू सेम है तो इस बार तो कंप्रेशन हो रहा है मतलब वर्क नेगेटिव है. वर्क नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव होगा और डेल्टा क्यू नेगेटिव है इसका मतलब हीट एनर्जी आपने क्या किया एक्सट्रैक्ट आउट किया है, एक्सट्रैक्टेड आउट है. तो डेल्टा क्यू इन सी डी अगर निकालते तो वो नेगेटिव आता. ठीक है? तो यहाँ पे यू नो मॉड ऑफ डेल्टा क्यू इन सी डी लिख रहे हैं. ठीक है?
मॉड इसलिए लिखा क्योंकि डेल्टा क्यू सी डी खुद नेगेटिव है एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम क्यू टू मानते हैं, ठीक है। अब डी से ए वापस से, डी से ए अगर आप जा रहे हो तो वापस से वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा क्यू वापस से क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब सोचो अगर मैं इस पूरे साइकिल के लिए अगर एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट करता, डेल्टा एस फॉर साइकिल कैलकुलेट करता पूरा साइकिल के लिए, तो कितना था, जीरो आता। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी द स्टेट फंक्शन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अगर कंसाइड कर गया है तो फिर एंट्रोपी का चेंज जीरो हो जाएगा। तो एंट्रोपी का चेंज देखो अब कैसे आया है, इसको चार स्टेप में ब्रेक करो, ए बी बी सी सी डी डी ए। ए बी पार्ट के लिए एंट्रोपी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसको कैसे लिखेंगे आप, क्यू वन बाई टी वन लिखेंगे। पर बी सी वाले पार्ट में तो हीट एनर्जी का चेंज नहीं है, जीरो लिखा। फिर सी डी वाले पार्ट के लिए अगर आप हीट एनर्जी का चेंज देखोगे तो वो आपका क्यू टू बाई डब्ल्यू हो जाएगा, बट क्यू टू एक्सट्रैक्ट आउट किया है तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ क्यू टू एंड डिवाइडेड बाई टी टू। फिर डी ए वाले पार्ट में हीट एनर्जी का चेंज वापस से जीरो है एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्यू वन बाई क्यू टू अब क्या जा रही है, टी वन बाई टी टू आ रही है। तो क्यू वन बाई क्यू टू टी वन बाई टी टू ये तभी होगा जब आपका कौन सा होगा, ये कारंट साइकिल के लिए होगा, राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि Q1 by Q2 आप सिर्फ से कारंट साइकिल के लिए लिख सकते हैं, मतलब मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन अगर दे रखा है या फिर कारंट इंजन दे रखा है, आइडियल इंजन कारंट इंजन एक ही चीज होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ये चीज लिख सकते हो, तो इसी वजह से आपको पता चलता है कि एफिशिएंसी का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो आपका 1 माइनस ऑफ टी टू बाई टी वन आएगा। समझ आया आपको, क्लियर है? यस सर, ठीक है। अब यू नो हीट इंजन में आपको दो चीजें पढ़नी है, यू नो जिसका फ्लो चार्ट अगेन आपको याद रखना है, एक है रेफ्रिजरेटर और एक है हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या होता है कि जैसे ये जो हीट इंजन का आ गया, हीट इंजन का ये जो फ्लो चार्ट मैंने दिखा रखा है, ये फ्लो चार्ट ठीक उल्टा होता है। फ्लो चार्ट मतलब कि जो हीट एनर्जी का फ्लो हम दिखा रहे हैं उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब क्या है, देखो एक चीज होती है जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। जैसे अगर मान लो कि आप कोई भी चीज को छोड़ते हो मतलब रिलीज करते हो, तो रिलीज करने से हमेशा वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। इसको कहने का दो तरीका होता है, एक है फोर्स वाला तरीका जिसमें आप बोलते हो कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है तो फिर इसलिए वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ये तो एक तरीका होता है। दूसरा एक और तरीका होता है एनर्जी का तरीका। एनर्जी का तरीका क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब भी किसी सिस्टम को आप स्पॉन्टेनियसली मूव करने के लिए छोड़ते हो तो वो हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले सिस्टम की तरफ मूव करता है, मतलब जिस तरफ उसका एनर्जी कम हो रहा होगा वो हमेशा उस तरफ जाएगा, हायर एनर्जी की तरफ कभी भी वो स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो अर्थ के सर्फेस से जितना आप ऊपर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ेगा और जितना नीचे आओगे उसका एनर्जी क्या होगा, उतना घटेगा। तो जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ तो वो लोअर एनर्जी की तरफ मूव करेगा, तो लोअर एनर्जी किधर था, नीचे या ऊपर, नीचे, तो इसलिए वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये एनर्जी का मेथड हुआ बोलने का। सेम तरीके से यू नो जैसे सोच के देखो, अगर कोई आपको बोले कि क्या इस ऑब्जेक्ट को जिसको हम छोड़ रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, क्या इसको ऊपर उठाना पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, बट वो उसका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं है, और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं होगा तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मतलब आप अगर वर्क करोगे, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर लिफ्ट करना है तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उसको ऊपर लिफ्ट कर सकते हो, मतलब स्पॉन्टेनियस बिहेवियर के अगेंस्ट मूव करा सकते हो। तो सेम तरीके से हीट एनर्जी का फ्लो भी होता है। हीट एनर्जी का फ्लो स्पॉन्टेनियसली जब आप सोचते हो तो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही होता है, हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सिंक की तरफ ही फ्लो करता है। बट इस केस में आपको जो वर्क मिलता है ये आउटपुट वर्क मिलता है, मतलब कि जो गैसेस है वो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके यू नो सराउंडिंग के ऊपर, अपने उसका जो भी सराउंडिंग होता है उसके ऊपर वर्क करता है। बट अगर आपने उल्टा सिचुएशन चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो यू नो कि ये लोअर टेम्परेचर जो सिंक है उसी से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे और उसके बाद हायर टेम्परेचर जो है उसको छोड़े, उसी को दे और हीट एनर्जी, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको। मतलब यू नो इस केस में आपको आउटपुट वर्क नहीं मिल सकता है, आउटपुट वर्क उस केस में आपका नेगेटिव आएगा। मतलब इस केस में कंप्रेशन करा, मतलब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से सराउंडिंग को सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि वो इसका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर के अगेंस्ट उसको मूव करा सके। इंटरनली कैसे होता है ये जानने का जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस इतना याद रखो कि ये फ्लो चार्ट जो होता है ना ये उल्टा हो जाता है, वापस उल्टा है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, ठंडे को ठंडा रखना, गर्म को गर्म करना। यू नो ठंडे को ठंडा रखेगा, जैसे जो अंदर का कंपार्टमेंट है, जैसे आप सब्जी डालते हो अंदर में, तो सब्जी अंदर में डाला आपने तो वो क्या करता है, उससे हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद फिर बाहर जो सराउंडिंग है, मतलब जो रूम है
वो रूम को हीट एनर्जी देता है। तुम अगर देखोगे तो फ्रिज तो ठंड, फ्रिज के अंदर की चीज तो ठंडी रहती है, बट फ्रिज के कभी पीछे की तरफ जाना तो फिर पीछे की तरफ रेडिएटर कॉइल्स होती है, और वो रेडिएटर कॉइल्स के थ्रू क्या करता है, वो हीट एनर्जी को बाहर निकालता है, तो वहां तो काफी गर्म होता है। फ्रिज का अंदर का पार्ट ठंडा है बट बाहर का पार्ट क्या है आपका, गर्म है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो अंदर में जो भी चीजें हैं उनसे हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और बाहर का सराउंडिंग को वो हीट एनर्जी रिलीज करता जाता है। तो ठंडा वाला चीज ठंडा रहेगा और गर्म वाला चीज क्या होगा, और गर्म होता चला जाएगा। आपको समझ आया? यस सर। ये है रेफ्रिजरेटर के लिए। सिमिलर काम हीट पंप के लिए भी होता है, हीट पंप भी यही काम करता है। हीट पंप हमारे कंट्री में जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक्सट्रीम यू नो जहाँ पे ठंडा होता है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है जैसे रशिया वगैरह में, वहां पे टेम्परेचर -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है। तो उतने ठंडे जगहों पे यू नो अगर आपको रूम में सर्वाइव भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो अगर हमारे यहाँ पे सोचो कि यू नो ठंडा पड़ जाता है, हम लोग बोलते हैं 7-8 डिग्री अगर हो गया है तो हम बोलते हैं बाप रे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, मतलब हम उसके लिए बर्दाश्त नहीं कर पाते, एकदम यू नो ब्लैंकेट एकदम यू नो लगा के रखते हैं, फैन बंद हो जाता है सब कुछ। तो सोचो कोई अगर -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है तो वो कैसे रहता होगा। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, रूम में हीट पंप लगाते हैं। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप जस्ट ऐसे सोचो कि रेफ्रिजरेटर टर्न्ड इनसाइड आउट है। रेफ्रिजरेटर टर्न्ड इनसाइड आउट क्या है, मतलब ऐसे सोच के देखो कि जो रूम का बाहर है वही रेफ्रिजरेटर का अंदर का कंपार्टमेंट है, और रूम के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेटर का बाहर का कंपार्टमेंट है। तो उस केस में रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा था, ठंडे वाले जगह से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा था और गर्म वाले चीज को क्या कर रहा था, हीट एनर्जी दे रहा था। तो अभी हीट पंप में जो रूम के बाहर का जो सराउंडिंग है वो तो काफी ठंडा है, मैंने बोला है ना -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो वहां से वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और रूम के अंदर हीट एनर्जी देता है। तो रूम के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा हायर होगा तो उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको और गर्म करता चला जाता है। समझ आइए आपको, समझ आइए? यस सर। तो दोनों का ही काम एक ही है, ठंडे को ठंडा करना, गर्म को और गर्म करना। तो फिर नाम कैसे पड़ता है, किसी का रेफ्रिजरेटर किसी का हीट पंप, नाम पड़ता है यूसेज पे कि काम क्या है किसका। दोनों का काम यू नो वैसे देखोगे तो दोनों तो एक ही चीज कर रहा है, ठंडे को ठंडा कर रहा है, गर्म को गर्म कर रहा है, बट दोनों का पर्पस एक नहीं है। रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या है, ठंडा करना या गर्म करना, बताओ। रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या है, ठंडा करना या गर्म करना, ठंडा। ठंडा करना। और हीट पंप का पर्पस क्या होगा, ठंडा करना या गर्म करना, गरम करना। तो इसीलिए पर्पस पे दोनों का नाम पड़ता है। रेफ्रिजरेटर का काम करना सिंस काम है ठंडा करना, इसीलिए जो चीज यू नो ठंडा करने के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और जो चीज को गर्म करने के लिए यूज करते हैं उसको हम हीट पंप कहते हैं। दैट्स इट, बस इतना बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। अब इनका फ्लो चार्ट करके एक बार जस्ट कैलकुलेशन दिखा देते हैं। तो इसमें फ्लो चार्ट ठीक उल्टा हो जाएगा। The spontaneous direction of flow of heat energy is from higher temperature source to lower temperature sink. Here, output positive work is obtained, but if we desire the reverse to be happening, that is heat energy flows from lower temperature sink to higher temperature source, then the surrounding needs to perform positive work
ऑन सिस्टम। सिस्टम मतलब यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस था। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप, ठीक है, इन दोनों में एग्जैक्टली यही होता है। अब इनका फ्लो चार्ट बना लेते हैं एक बार जल्दी से। ये आपका सोर्स है, दिस इज एट टेम्परेचर T1 केल्विन। यहाँ पे आपका वर्किंग सब्सटेंस है, सिंक है, एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये ले सकते हैं Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W जाएगी। ठीक है, the term refrigerator sir ওখানে ওই যে হিটটা সোর্স কে দেবে সেটা হচ্ছে Q2 প্লাস W হবে তো? হ্যাঁ ওইটা তো লিখেছি। ওকে স্যার, the term refrigerator or heat pump being used depends on the purpose of their usage. The purpose of their use, okay. If the purpose is to cool a certain region of space, it would be a refrigerator. It is a refrigerator. And if the purpose is to keep a certain region warm, then it's a heat pump. अब since दोनों का purpose अलग है तो इन दोनों के लिए एक term define करते हैं जिसको coefficient of performance कहते हैं। वो coefficient of performance भी दोनों के लिए अलग अलग define होता है। Hence we define coefficient of performance. Coefficient of performance. Coefficient of performance slightly differently for both of them. इसको बीटा सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, बीटा। तो अभी मैं दोनों के लिए एक ही करके लिख रहा हूँ, देखो कॉलम करके कर रहा हूँ। पहले मैं रेफ्रिजरेटर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड में रेफ्रिजरेटर के लिए बीटा REF लिखा है और राइट साइड में बीटा हीट पंप के लिए HP लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं तो देखो इस डायग्राम को एक बार देखो। जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए पहले सोचते हैं, रेफ्रिजरेटर का काम है किसी चीज को ठंडा रखना, तो ठंडा रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, Q2 या Q1? बताओ Q2, क्योंकि लोअर टेम्परेचर सिंक से जो हम हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली Q2 है। तो अगर हम कहते हैं क्योंकि जैसे सोच के देखो,
अगर हम कहते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल कब हो पाया कि जैसे लोअर टेम्परेचर से हम हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, कब पॉसिबल हो पाया? जब हम यू नो वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर यू नो वर्क करवा पा रहे हैं, यू नो वर्क करवा पा रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर मान लो कि W अमाउंट ऑफ हमने वर्क किया है वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर और उससे Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी यू नो एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं, तो ये जो यू नो Q2 बाय W वाला जो क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे Q2 बाय W, तो ये Q2 बाय W उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि अगर सपोजली मैं लो अमाउंट ऑफ W के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ Q2 एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं, तो इजंट इट यू नो बेटर फॉर द रेफ्रिजरेटर? मैं कम वर्क करके लिए ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाऊं तो इससे तो ज्यादा ठंडा कर पाएंगे ना हम, होगा नहीं होगा? ऐसे होगा। तो इसीलिए इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हम Q2 बाय W करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? जबकि जब आप हीट पंप के लिए डिफाइन करोगे तो हीट पंप के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, Q1 या Q2? गर्म करना था ना सोर्स को, या फिर आपको हाई टेम्परेचर को और गर्म करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, Q1 या Q2? Q1 होगा ना। Yes, तो क्योंकि उसी को तो रिलीज कर रहे हो आप, यू नो हायर टेम्परेचर जो था, तो उसका हीट रिलीज्ड पर यूनिट वर्क जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। तो Q1 बाई W करना पड़ेगा हीट पंप के लिए। अब वापस से वही है कि अगर आप लो W के लिए ज्यादा Q1 को ऑब्टेन कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है आपका, ज्यादा जाएगा, ठीक है? तो इसको अकॉर्डिंगली डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट्स the ability to extract heat energy from lower temperature sink per unit per unit work done on working substance। तो इसको बीटा ऐसे लिख रहे हैं, सॉरी दिस विल बी Q2 बाई W कर लेंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करो तो उसको ऐसे ले सकते हो Q2 डिवाइडेड बाई W को लिख लें तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा Q2 बाई Q1, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q1, और 1 माइनस Q2 बाई Q1 तो एफिशिएंसी होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफिशिएंसी एंड डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी आ जाएगा, ये आपका बीटा ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया। और इसकी वैल्यू आपकी ध्यान रखना ये Q2 बाई W है। This is beta of refrigerator। एक चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो efficiency आपका हमेशा 1 से छोटा होता है। Efficiency is always less than 1। Efficiency अगर 1 से छोटा है तो 1 minus eta भी तो 1 से छोटा होगा। तो इसमें numerator और denominator दोनों ही क्या है, fraction है। और numerator denominator दोनों fraction है, तो ये value 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। Depend करता है कि numerator वाला fraction ज्यादा है या denominator वाला fraction ज्यादा है। So beta of refrigerator जो होगा, बीटा ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये आपका ग्रेटर देन जीरो सारा नंबर्स हो सकता है, सारा नंबर्स, कोई भी नंबर ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि अगर ईटा की वैल्यू सोचो, अगर यू नो जीरो के क्लोज है, मतलब जैसे 0.01, तो ये वैल्यू क्या होएगा, ये काफी बड़ा आ जाएगा, आएगा ना, होगा नहीं होगा? यस सर। और अगर ईटा की वैल्यू अगर सपोज ली एफिशिएंसी की वैल्यू अगर 1 की काफी क्लोज है, जैसे 0.99, तो ये वैल्यू काफी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए ये वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे ईटा की वैल्यू को, वैसे वैसे बीटा की वैल्यू भी आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है? लार्ज नंबर भी हो सकती है, छोटी नंबर भी हो सकती है। ओके, अब आते हैं हीट पंप पे। इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ हीट पंप टू रिलीज heat energy to higher temperature
source per unit work done on them. Work done on them. तो इसमें अगर आप बीटा हीट पंप के लिए लिखोगे तो ये लिखोगे आप Q1 by W लिखोगे. अब इसको लिखोगे तो ये जाएगा Q1 divided by Q1 minus Q2. अब Q1 से अगर डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 by 1 minus of Q2 by Q1 हो जाएगा. और इसको आप एफिशिएंसी लिख सकते हो सीधे से, तो ये हो जाएगा 1 by एफिशिएंसी हो जाएगा. So beta of heat pump that will be Q1 by W. इसको एफिशिएंसी के टर्म्स में 1 by eta लिख सकते हैं. एक चीज अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो पिछली बार से यहाँ का डिफरेंस क्या, देखो ये 1 by eta है, न्यूमरेटर फिक्स्ड है और डिनोमिनेटर वेरिएबल है. और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ऑब्वियसली 1 by फ्रैक्शन करोगे तो वैल्यू 1 से बड़ा आएगा. इसका मतलब हीट पंप के लिए अगर आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा. ठीक है, समझ आया? यस सर. इसपे बेस करके एकदम सिंपल एग्जांपल्स आते हैं, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. मैं दो एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल्स आते हैं. एन आइडियल रेफ्रिजरेटर रन्स बिटवीन minus 23 degree centigrade and 27 degree centigrade. Find the heat rejected to atmosphere for every single joule of work input. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने का है. कीवर्ड्स का ध्यान दो. पहला चीज आइडियल है. आइडियल का मतलब क्या हुआ? आइडियल मतलब कार्नट इंजन की तरह ट्रीट करना है इनको. ठीक है, आइडियल मतलब कार्नट इंजन. ठीक है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी. ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा. दूसरी चीज ये नोटिस करो, ये जो दे रखा है आपको रेफ्रिजरेटर दे रखा है, और रेफ्रिजरेटर के लिए हीट का फ्लो जो होता है वो उल्टा होता है. तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है हमसे, हीट रिजेक्टेड पूछा है. कितना हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, यू नो, या रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट कर रहा है, कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है. तो देखो, अगर नॉर्मल हीट इंजन की बात करें, रिजेक्टेड किसको बोलते हैं, क्यू वन को या क्यू टू को? नॉर्मली हीट, जब हम हीट इंजन बोलते हैं तो रिजेक्टेड कौन सा होता है, क्यू वन या क्यू टू? बताओ. क्यू वन. नॉर्मली क्यू टू. Q2 होता है, बट रेफ्रिजरेटर के लिए कौन होता है? Q1 होता है ना? Yes. तो इसीलिए ये चीज का आपको, you know, understanding में ये चीज का बस confusion नहीं करना है. ठीक है, तो इससे हमें जो heat rejected निकालना है, ये आपका Q1 निकालना है. ठीक है, अब ये उसने एक और डेटा क्या दे रखा है, एवरी सिंगल जूल ऑफ वर्क इनपुट, मतलब W की वैल्यू ये उसने दे रखी है. सिंगल जूल ऑफ वर्क इनपुट क्या रखा है उन्होंने, इसका मतलब यहाँ से आपको एक डेटा और दे रखा है कि ये W की वैल्यू बेसिकली 1 जूल लेनी है आपको. ठीक है, अब सिंस ऑलरेडी उसने कह रखा है कि आइडियल है, तो आइडियल रेफ्रिजरेटर्स के लिए आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो कि Q2 by Q1, ये T2 by T1 आएगा. लिख सकते थे ना, लिख सकते थे. यस सर, यस सर. और T2 की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, देखो माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको बताया वो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 एंड माइनस 23, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 273 प्लस 27, तो ये हो गया आपका 5 by 6 आ रहा. देखो, and therefore आप ये लिख सकते हो कि Q2 by Q1, हमें Q1 तो निकालना है, तो Q2 को eliminate कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं Q1 minus W divided by Q1, that will be equal to 5 by 6. तो इससे हम लिख सकते हैं W divided by Q1, ये हो जाएगा आपके पास 1 minus of 5 by 6, and ये हो जाएगा 1 by 6. So therefore Q1 की value will be 6W. इसका मतलब क्या हो गया, 6 times of 1 which is 6 joules. समझ आया सबको? Yes sir. Yes,
चलो एक और एग्जांपल करते हैं फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. The efficiency of a Carnot's engine at a particular source and sink temperature is 0.5. When the sink temperature is reduced by 100 degrees centigrade, the efficiency becomes 0.67. Find the source temperature. Source temperature. इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दो. उसने पहला चीज ये बोला है कि टेम्परेचर इज सिंक का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, रिड्यूस्ड मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. तो चेंज इन टेम्परेचर जब आप सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, क्या कोई फर्क पड़ता है? नो सर. क्या कोई फर्क पड़ता है बताओ? नो, सेम होता है. सेम ही होता है ना. इसका मतलब कि डेल्टा टी टू की अगर हम बात करें, डेल्टा टी टू तो ये कितना है बेसिकली आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसी को लिख सकते हैं ये आपका 100 केल्विन है ना. अच्छा ये डेल्टा टी टू 100 नहीं है, माइनस 100 होगा क्योंकि ये रिड्यूस्ड है. समझ आया आपको? ठीक है ना. यस सर. ठीक है. अभी देखो आप पहले का एफिशिएंसी कितना था, 0.5. तो हम लिख सकते हैं ईटा वन की जो वैल्यू है, ईटा वन That will be 1 minus of T2 by T1 and ये आपका half दे रखता है. ठीक है, ये given है. मैं fraction में काम नहीं कर रहा हूँ, ये decimal, you know, decimal में काम नहीं कर रहा हूँ, fraction में काम कर रहा हूँ. Calculation काफी आसान दिखता है. तो इससे 1 minus T2 by T1 की value half है, मतलब T2 by T1 भी basically आपको half मिल गया. Second case में जो efficiency दे रखा है, इसको ले सकते हैं 1 minus of T2 minus 100 divided by T1 and that will be equal to 0.67. 0.67 को 2/3 लिख लो. कैलकुलेशन देखो बहुत आसान दिखेगा. लिख सकते हैं ना? यस सर. यस सर. कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा देखो अभी आपका. तो 1 माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ सॉरी 1 माइनस ऑफ T2 / T1 एंड प्लस 100 / T1 इज इक्वल टू 2/3. अब 1 माइनस T2 / T1 तो हाफ है, तो 100 / T1 ये हो गया 2/3 माइनस हाफ और ये हो गया आपके पास 1/6 हो गया. तो T1 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 600 केल्विन हो गया. और केल्विन होगा या सेल्सियस होगा? बताओ केल्विन होगा या सेल्सियस होगा? केल्विन. केल्विन क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं एफिशिएंसी का, 1 - T2 / T1 ये सारा क्या है, केल्विन में ही है. तुम याद करो ये जो ये याद करो. आइए देखो ये जो हमने निकाला था Q1 by Q2 is equal to T1 by T2. ये जो PVT लिखते हो आप, pressure volume temperature, तो वो temperature किस में लिखते हो आप, Kelvin में लिखते हो नहीं लिखते हो? PV by T constant जब लगाते हो. Yes, लिखते हो ना? तो फिर इसलिए temperature सारा क्या है, Kelvin में, ये ध्यान रखना. ठीक है, change of temperature जब लेते हो तो Celsius में लो या Kelvin लो मैटर नहीं करता है, बट temperature आपको किस में लेना है, आपको Kelvin में लेना है, जिसका ध्यान रखना, confusion नहीं रखना.